आपका? क्या बोल रहा? गलत इंटरव्यू दिया है, मिट्टी में आदमी दब के मरा, आधा पार्ट उसका बॉडी नीचे, आधा पार्ट अभी तक नहीं निकला है वो। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि कल देर रात देखिए पटना में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें देखिए 8 मजदूर दब गए, जिसमें 2 मजदूर की मौके पर मौत हो गई। और वहीं अगर बात करें तो देखिए जो 6 मजदूर थे वो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा जो खबर है वो आपको हम विस्तार से बताएंगे। देखिए राजधानी पटना में लंबे समय से मेट्रो का काम चल रहा है, और देखिए कल निर्माणाधीन मेट्रो के टनल में एक घटना हुई जिसमें 8 मजदूर दब गए। देखिए वहाँ से हम आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए कल जहाँ पर घटना घटी थी, देखिए इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। और देखिए कल देर रात में इसी मेट्रो के टनल में, निर्माणाधीन टनल में देखिए कल घटना हुई थी, जिसमें 8 जो मजदूर थे वो देखिए मजदूर इसमें दब गए थे, इसमें 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अगर बात करें तो देखिए 6 मजदूर अपने अभी अस्पताल में, उन तमाम लोगों को भर्ती कराया गया, उनकी जो हालत है वो पूरी तरीके से गंभीर बनी हुई है। देखिए जो पूरा खबर है वो आपको हम विस्तार से बताएंगे। आपको बताते चले कि देखिए पटना में मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड सुरंग बनाया जा रहा है, इसी दौरान सुरंग में बस ये हादसा हुआ। इस हादसे में देखिए 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 जो मजदूर थे वो घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए ये यहीं पर जो घटना है वो हुई थी, आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आपको हम विस्तार से बताएंगे। आपको बताते चले कि देखिए मेट्रो सुरंग में लोको पिकअप मशीन की जो ब्रेक है वो फेल हो गई और मजदूरों पर चढ़ गई। ये जो आप कैमरे के सामने ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये देखिए ये लोको पिकअप मशीन है, और देखिए इस मशीन का जो ब्रेक था वो फेल हो गया, और फेल होने के बाद मजदूरों पर चढ़ गई। देखिए इस हादसे में 1 लोको पायलट और वहीं जो मजदूर थे, 2 मजदूर जिनकी देखिए मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं अगर बात करें तो देखिए 6 जो मजदूर हैं उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, और देखिए उनका जो हालत है वो गंभीर बना हुआ है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे, और ये जो कल पूरा घटना हुआ वो कल देर रात में हुआ है। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे, और पटना के NIT घाट के समीप जहां पर ये टनल बनाया जा रहा था, अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा था, मेट्रो का निर्माणाधीन जो काम चल रहा था वो चल रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ। और देखिए काफ़ी लंबे समय से मेट्रो टनल का जो काम है वो चल रहा है, और देखिए जो मेट्रो का अंडरग्राउंड जो टनल है वो बनाया जा रहा था, और देखिए कल उस दौरान ये हादसा हुआ। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर, आपको हम ये सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहाँ पर कल देर रात पटना में ये घटना घटी है, उसका हम आपको सीधा तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कल इसी जगह पर पटना के NIT मोड़ पर देखिए अंडरग्राउंड पटना का जो निर्माणाधीन मेट्रो का जो टनल है वो बनाया जा रहा था, जहाँ पर देखिए ये घटना घटी, जिसमें देखिए जो ये वैन है, देखिए इसका जो ब्रेक है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, और फेल होने के बाद देखिए 8 मजदूर इसमें दब गए थे, और दबने के बाद देखिए जो 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, और वहीं देखिए 6 मजदूर का जो हालत है वो पूरी तरीके से गंभीर बना हुआ है। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, जिनके घर के भी लोग हैं उन तमाम लोगों को सूचना दे दी गई है। और देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से अधिकारियों से जो लोग हैं वो बात करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। कल देखिए कल देर रात पटना में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें देखिए 8 मजदूर दब गए थे, जिसमें देखिए मौके पर 2 मजदूर की मौत हो गई। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो देखिए किस तरीके से लोग आक्रोशित होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी परिजन कल जिन परिजनों की मौत हुई है या फिर जिनके परिजन देखिए घायल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है, तमाम जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पर पहुँचने लगे। देखिए ये सीधा तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो देखिए अब अधिकारियों की भी बात नहीं सुन रहे। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्यों आप लोग क्या बोल रहे? गलत इंटरव्यू दिया है, मिट्टी में आदमी दब के मरा है। आप एक आदमी मीडिया वाला चलो नीचे, अभी भी मेरा बॉडी नीचे है।
आप रिकवरी करो, बॉडी नीचे है, आधा पार्ट उसका बॉडी नीचे, आधा पार्ट हाँ अभी तक नहीं निकला है वो। ये लोग बोलता है कि मिट्टी में दबा हुआ, इसको निकालो। आप लोग काम करते हैं यहाँ पर? हाँ काम करते हैं। अभी कल कैसे कैसे हादसा है? हादसा कैसे? नाइट में, नाइट में बताओ। कैसे घटना है? कैसे मशीन को मेंटेनेंस नहीं होने देता है यहाँ पे, और मानसिक तौर से लोगों को प्रताड़ित करके, मानसिक प्रचारण करके काम करवाया जाता है, जिसके कारण हम लोग डर के काम करते हैं, नौकरी का धमकी देते हैं। नौकरी का भी धमकी? हाँ। कितने कितने लोगों की मौत हुई है? और 12 घंटे ड्यूटी लिया जाता है। पेमेंट देखिए किस तरीके से, जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंचे, देख लोग देखिए, जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो देखिए पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए, पुलिस की भी बात सुनने को तैयार नहीं। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर ये NIT मोड़ के पास से दिखा रहे, जहाँ पर कल देखिए मेट्रो टनल में एक बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर देखिए 2 मजदूर की मौत हो गई, और वहीं देखिए 6 मजदूर जो थे वो पूरी तरीके से घायल हो गए। उन तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए सीधा तस्वीर, तमाम जो मजदूर है जो यहाँ पर काम करते, देखिए पुलिस प्रशासन को भी घेर लिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ये सीधा तस्वीर दिखाएंगे। देखिए पुलिस की भी बात लोग नहीं सुन रहे। देखिए यहाँ पर जो पुलिस है वो मुस्तैद है, लेकिन इन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। देखिए कल देर रात पटना में एक बड़ी घटना घटी, जिसमें देखिए मेट्रो टनल में एक बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन मेट्रो टनल में, जहाँ पर देखिए 8 मजदूर दब गए थे, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो गई, और वहीं देखिए जो 6 मजदूर थे वो पूरी तरीके से घायल हो गए। देखिए सीधा तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ, इधर आइए, इधर आइए। ब्रेक फेल था मेट्रो का पूरा तरीका, तब भी चलाया गया है। देखिए किस तरीके से आक्रोशित भी हो रहे हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं। देखिए तो हम सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मजदूर के साथ नाइंसाफी क्या होता है? क्यों होता है? हम लोग अगर कुछ बात उठाएंगे सीधे बोलेगा जैसे वैसे करो, किसी तरह भी करो, काम करो, एक कोई तरीका क्यों होता है काम करने का? आज भी 12 घंटा हो गया, कोई कार्रवाई हुआ है क्या? कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ एक महिला को भेज दिया बात करने, हम महिला से बात करेंगे? क्यों महिला से बात करें? हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर उसको बोला यहाँ पे, जॉब से रेलेंटिक उसको बोला यहाँ पे। प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, कौन नाम बता रहे प्रोजेक्ट अलोक डो को बुलाइए, अलोक डो के इधर प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर कल रात से गायब है, वो सब गायब है, सब गायब है। क्या पुलिस के द्वारा क्या बोला जा रहा है? पुलिस द्वारा कह रहा है कि बुला रहे हैं, बुला ही रहा है सुबह से। मतलब रात से ही बुला जा रहा है? 12 घंटा से बुला रहे हैं। 12 घंटा से? जी सर। मतलब कैसे हो गया सर? 9 से 9 हो गया, अभी कोई नहीं आया। कितने कितने लोगों की मतलब मौत हुई है यहाँ पर? हम लोग तो सुन रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हुई। उनकी हालत खराब है, 10% आसे बचना है, इतने बचाओ के पता नहीं। 80% उम्मीद है, 6 लोग घायल हुए हैं, उनका भी हालत गंभीर है। किसका लापरवाही? क्या लापरवाही? लापरवाही नीचे जो काम करवाता है उसका लापरवाही है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं। नीचे जो काम करवाता है साइड में इंजीनियर मैनेजर फोरमैन, उसका लापरवाही है। देखिए आपको हम सीधा, जो काम नहीं होने वाला उसको बोलो करो, क्या है करो। तो कल हम लोग देखिए तमाम ये लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, देखिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से प्रशासन मनमानी कर रही है। और जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो इंजीनियर थे, वो कल रात से ही यहाँ से गायब हो गए हैं, फायर हो गए हैं। देखिए आपको हमने वो तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कल पटना के NIT मोड़ के पास देखिए निर्माणाधीन मेट्रो के टनल में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 8 मजदूर दब गए थे, जिसमें 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, और देखिए वहीं 6 मजदूर घायल हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन देखिए उनके तमाम जो साथी हैं, जो मजदूर हैं, वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से प्रशासन की भी बात लोग नहीं सुन रहे, और किस तरीके से पुलिस से आमने सामने भी हो गए। और क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।